हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आए बच्चे होंगे। मेरा नाम है आरबी अदोरम्बे, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सर्दी नवरात्र कुछ इस तरह का पोस्टर बनाना सीखेंगे। इसका पीएलई फाइल पीएनजी फाइल आल मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो जरूर देख रहे हैं। और कैसे इसको डिजाइनिंग करना है तो चलिए इसको स्टेप बाई स्टेप सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेल एप्लीकेशन। तो इसको आपको ओपन कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ नहीं डाउनलोड किए तो डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले न्यू टेस्ट आएगा जिसको डिलीट कर देना है। उसका जो फाइल आपको दिया गया है उस फाइल को डाउनलोड करके अनजिप कर लेना, कोई भी इसमें पासवर्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड करने के बाद अनजिप करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री आइकन पे चले आना है। यहाँ पर आएंगे तो उसके बाद आपको थ्री आइकन पे आपको यहाँ पर यूज फॉर इमेज गैलरी का ऑप्शन देगा, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद जिस फाइल ने आपने अनजिप किया उस फाइल पर चले जाना है। तो सर्दी नवरात्र पोस्टर लिखा हुआ होगा तो इसमें आपको टैप करेंगे, अंदर आपको पीएनजी फाइल सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपको इसको ऑन करना है। उसके बाद आपको पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड कुछ इस तरह से आपको बनाया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको थ्री प्लस पे सेलेक्ट करना होगा, फिर गैलरी पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर से उसी वाले फाइल में आपको आ जाना है। तो सर्दी नवरात्र में आपको आ जाना है। उसके बाद आपको बैकग्राउंड कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बीच वाले पे टैप करेंगे तो यहाँ पर रिलेटिव साइज ऑप्शन देगा, इस तरह से आपको इस तरह लगा लेना है। उसके बाद माता रानी का पीएनजी लेना है, प्लस पे सेलेक्ट करना है, फिर गैलरी पे आना है। यहाँ पर जाना थ्री है, यहाँ पर फिर से उसी टैप करना है और फिर से सर्दी नवरात्र वाले पोस्टर में आपको आ जाना है। उसके बाद माता रानी का पीएनजी हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको लेने के बाद आपको यहाँ पर बीच वाले पे टैप करके इसका साइज इस तरह से बढ़ा लेना है, ओके कर देना है। उसका फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फिर गैलरी पे आना है। यहाँ पर वहाँ इंटरनल में जाना है, इंटरनल में फिर से आपको उसी वाले फाइल में आपको आ जाना है। उसमें आने के बाद कुछ इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सर्दी नवरात्र, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह साइज को इस तरह क्रिएट कर लेना, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फिर गैलरी पे आना है। उसका इंटरनल में जाना है, फिर से उसी फाइल में आपको आ जाना है, ठीक है। उसी फाइल में आपको आ जाने के बाद कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट कर आपको लिखा हुआ है, आप सभी देशवासियों को, माँ भक्तों को सर्दी नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, आपका इस तरह सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस वाले सेलेक्ट करेंगे, फोर गैलरी पे। इसके बाद आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना, जो पीएनजी आपको फोटो अपना लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम कोई एक फोटो ले लेते हैं तो इसे यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसको लेंगे और इस तरह से आपको इसका फोटो को अपने हिसाब से इसको मैनेज करना है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से इसको लेकर आना है और यहाँ पर इस तरह से आपको मैनेज कर लेना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फोर गैलरी पे आएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का फिर से उसी पीएनजी आपको मिलेगा नेम प्लेट का, ठीक है। तो यहाँ पर नेम प्लेट वाला पीएनजी आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है और इसे आप रिलेटिव साइज आपको 100 करके इस तरह से लगा लेना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको एक और आपको ऊपर का बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा, उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। यानी आपको फोटो का जो आपको ऊपर का माला वाला पीएनजी होता है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम उसी वाले फाइल पर आपको आ जाना है और यहाँ पर माला वाला पीएनजी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसका रियलिटी साइज आपको 100 कर देंगे, इस तरह से लगने लगेगा। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, नाम लिखेंगे, ए पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू टेस्ट लेंगे, न्यू टेस्ट को नीचे लेकर आएंगे, दो बार टैप करेंगे, इसको ऑल डिलीट करके यहाँ पर इनका नाम दिनेश लाल यादव, जैसे यहाँ पर दिनेश, ठीक है, लाल यादव, मैंने दिनेश लाल यादव लिख लिया, ओके कर देता हूँ। उसको इसको अपने हिसाब से क्रिएट करके बड़ा साइज कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कलर का ऑप्शन देगा, तो यहाँ से व्हाइट, पीला, हरा, नीला कोई भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन देगा, फॉन्ट पे क्लिक करके यहाँ पर फॉन्ट में जो भी फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं आप इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद इसको कैसे सेव करना है भी बता देते हैं। सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करना है, सेव एन इमेज पे आना है, उसका क्वालिटी पूछता है, क्वालिटी पे क्लिक के अल्टा करके सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना है। अगर आपको हमारा पीएनजी फाइल पीएनजी आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन, आने वाले लेटेस्ट वीडियो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।